नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अशोक लव की श्री राम लला पे आधारित पुस्तक श्री राम दोहा माला का विमोचन दिल्ली के खाटू श्याम धाम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दतिया के महाराज श्री राहुल देव जी, महारानी श्रीमती परिणीता देवी जी, आचार्य श्री महंत महामंडलेश्वर स्वामी प्रीतम देव तीर्थ बाबा जी, वर्ल्ड सनातन बोर्ड के अध्यक्ष जगदीश चंद्र अग्रवाल मौजूद थे। इन सभी ने पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अनेक हिंदू संगठनों के प्रतिष्ठित लोग और अनेक पत्रकार उपस्थित थे। आपको दिखाते हैं पुस्तक विमोचन की खास झलक। उनके विचारों को जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के पश्चात भी तीसरी या चौथी बार में आया था, तो प्रभु जो काम कराना चाहते हैं और कुछ व्यक्तियों को यहाँ भेजते हैं तो वो काम करने की प्रेरणा देते हैं और इस तरह से कार्य आरंभ होते हैं। मैं करीब मेरा कार्य क्षेत्र साहित्य है और ब्राह्मण होने के नाते संस्कारों में काफ़ी ब्राह्मणत्व रहा है, जिससे ये पुस्तकें करीब 160 मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। व्यवसाय से मैं अध्यापन में रहा और जो मैं अभी आप जो बातें जो चल रही है तो मेरे विचार से वो अब हवा में बातें हो रही। मैं व्यवहारिक ग्रुप उसको देना चाहता हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ मैं। एक आपसे बड़ा होगा इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन है अमेरिका में, मैं उसका दिल्ली एनसीआर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी पुस्तकें अमेरिका के हिंदी स्कूल है एक्रॉन में। अभी जो युवा और बच्चे जो वहाँ पर हिंदी के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, एक स्कूल बहुत अच्छा चला रहे हैं। वो सारी फैमिली डॉक्टर हैं बाई प्रोफेशन। गुलाब खंडेलवाल महाकवि थे, उन्होंने करीब 50 महाकाव्य और खंड काव्य लिखे। 90 वर्ष के थे, मैं 14 में मिला भी, उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं परिवारों से जुड़ा हूँ, मेरी बेटी वहाँ पर है और जो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि राजनीति बहुत होती है। सनातन का जो नाम है ना वो इतना होता जा रहा है, अब युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कारों की बात चल रही है ना, चरण पकड़ने की बात चल रही। मुझे बड़ा गर्व अनुभव होता है जब मेरा नाती वो मत्था टेकता है, पूरा पूजा करता है, क्योंकि मेरे दामाद में वो संस्कार है। अब वहाँ जब आप बाहर जाएंगे फिर जो तड़पन है ना, जो आपने बोली वो यही है कि हम तो यहाँ आ गए, अगली पीढ़ी को हिंदी बोलनी नहीं आ रही है, संस्कृत के तो बात बहुत दूर है, उन्होंने संस्कृत की बात करी। तो ये सारी जो पीड़ा है ना जब आपके हृदय में होती है फिर कुछ आप व्यवहारिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। तो मैंने गीता लिखी, चार गीताएं आ चुकी है, सर्वजन गीताएं, श्रीमद भगवद गीता, दूसरी है भारत की आत्मा गीता। अब जब मैं वहाँ अमेरिका गया, साहित्यिक मेरा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो सबसे बड़ी समस्या ना तो उनको संस्कृत आती है ना हिंदी आती है, और उनकी इच्छा बहुत थी कि इसको इसका क्या किया जाए। तो फिर मैंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया, द श्रीमद् भागवत गीता जीवन यात्रा हिंदी का नाम था। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।